चलिए तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें हमारा जैसा कि प्रश्नावली 6.5 ही कंटिन्यू होगा, और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 3 का पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो दोस्तों देखिए, इसमें ना बहुत कुछ नहीं करना है, जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बस उसी डिजाइनिंग से ये भी बनाना है आपको, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। पहला दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि चुकी दिया fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हमारा पहला नंबर है ना, 3 का पहला नंबर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसका एक बार अवकलन करते हैं। फर्स्ट टाइम पहला स्टेप क्या होता है, 1 times इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो ये निकल के आएगा 2x, है ना, आप अवकलन तो जानते होंगे। फिर अगेन हम लोग इसका अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन, तो f डबल डैश हो जाएगा ना, f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 केवल बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं हम लोग, f डैश x को 0 करते हैं, 3 स्टेप ये है, तो ये भी लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे अब f डैश x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि उच्चतम या न्यूनतम बिंदु के लिए, ठीक है, कि x का उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है कि न्यूनतम बिंदु प्राप्त होता है। तो x के अभी इस ये यहाँ पर तो x का मान ज्ञात करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू क्या है, 2x, तो यहाँ पर रखेंगे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो x का अगर हम लोग वैल्यू ज्ञात करना चाहे तो x बराबर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, जो गुणा में इधर गया तो भाग में। अब देखिए, अब ये जो x का मान जो है उच्चतम है कि न्यूनतम बिंदु है, इसको जांच करने के लिए अब डबल f डैश x में हम लोग रखेंगे, है ना। तो चलिए रख लेते हैं हम लोग। तो जब x इज इक्वल टू 0 तब f डबल डैश x के जगह पे क्या रखेंगे, 0। और यहाँ पे देखिए x, अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, x वक्स है ना, x ना वाई कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपली आप x का कुछ भी मान रखिए, इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 क्या है, ये प्लस में आ रहा है ना, तो हमने बताया था ना कि जब प्लस में आता है तो क्या होता है, न्यूनतम होता है, और माइनस में उच्चतम होता है, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये न्यूनतम बिंदु है ना, न्यूनतम बिंदु है। जब न्यूनतम बिंदु है तो न्यूनतम मान क्या होगा, इसलिए न्यूनतम मान क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अब इस x के मान को हम लोग, जो x बराबर 0 आया है, ये fx में हम लोग रख देंगे, है ना। तो रख दीजिए यहां पर, तो f 0, तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर था, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, dx इज इक्वल टू x³ - 3x, तो ये हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया है gx इज इक्वल टू क्या दे दिया है, x³ - 3x। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले दो बार इसका अवकलन करना है, एक बार निकालिए g डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 जो है बाहर आ जाएगा, है ना, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 3x² एक इसके पावर में से घटा देंगे। फिर माइनस x का अवकलन 1 होता है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। अब पुनः अगेन आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, है ना, g" x हो जाएगा, एक बार के तो एक बार डैश, दो बार करेंगे तो दो बार डैश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, x के मान के लिए यहाँ पे लिख देंगे, x के लिए क्या कर देंगे, तो हम लोग g" x को 0 के बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक। अब g डैश x का मान क्या है, तो 3x² - 1,
सॉरी थ्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स ये कि थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। थ्री से थ्री कट कर दीजिए, वन टाइम्स जाएगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, रूट चढ़ जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर वन। और जानते हैं आपकी जब रूट रहता है तो प्लस माइनस दोनों लगता है, यानी एक्स का जो मान आया प्लस माइनस वन आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स का दो मान मिला है, एक तो हमें एक्स बराबर वन मिल गया है और दूसरा क्या मिला है, एक्स बराबर माइनस वन, है ना। तो अब दो पॉइंट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स बराबर वन पर क्या करेंगे, उच्चतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उच्चतम या न्यूनतम बिंदु के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स बराबर वन पर उच्चतम या न्यूनतम बिंदु के लिए, ठीक है। तो अब हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो जी डबल डैश एक्स में हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जी डबल डैश एक्स के जगह पे क्या रखना है दोस्तों, वन, तो वन रखिए यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए सिक्स एक्स है तो सिक्स एक्स के जगह पे वन रखिएगा तो सिक्स ही तो मिलेगा हमारा, है ना। तो ये कैसा है, ये न्यूनतम बिंदु है, ठीक, न्यूनतम बिंदु है, प्लस में रहेगा तो न्यूनतम ही रखना है, ठीक है ना, न्यूनतम बिंदु है। तब न्यूनतम मान क्या होगा, इसलिए न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो x इज इक्वल टू वन है, अब जी एक्स में रख देंगे, तो चूंकि जी एक्स बराबर क्या है, तो x क्यू माइनस थ्री एक्स, यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर में, है ना। तो यहां पे रख दीजिए वन, अब x क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, वन, तो क्यूब माइनस थ्री एक्स के जगह पे वन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, वन का क्यूब कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, है ना, घात, ये तो वन ही रहता है, माइनस का थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का टू। तो हमारा न्यूनतम मान प्राप्त क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन पर माइनस टू। अब देखिए अब पुनः क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर, है ना, दो बिंदु था ना, तो एक बार x बराबर वन लिए, अब x बराबर माइनस वन पर करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए x इज इक्वल टू माइनस वन पर g डबल डैश x निकालेंगे, तो यहां पर देखिए क्या है हमारा, तो सिक्स एक्स है ना, तो यहां पे माइनस वन रखेंगे इज इक्वल टू सिक्स, x के जगह पे माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये कैसा बिंदु होगा, तो ये उच्चतम बिंदु होगा। जब ये उच्चतम बिंदु है तब उच्चतम मान क्या होगा, तो इसलिए यहां पर डालेंगे उच्चतम मान, उच्चतम मान, उच्चतम मान कैसे निकलेगा दोस्तों, तो अब इस x इज इक्वल टू माइनस वन को जी एक्स में रख देंगे, है ना, तो जी एक्स के जगह पर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री एक्स के जगह पर माइनस वन, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस ही वन होगा, है ना, क्योंकि घात विषम है, माइनस माइनस प्लस, ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, दो। ओके, तो हमारा उच्चतम जो बिंदु मिलेगा, उच्चतम मान, वो दो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। तो सॉरी दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना, तीसरा में। तो एच एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, और बोला है इसमें कि जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई टू, यानी कि एक्स का जो मान है जीरो और पाई बाई टू के बीच में है, यानी कि जीरो और नब्बे डिग्री के बीच में है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप अवकलन फर्स्ट टाइम कीजिए, है ना। तो क्या हम लोग लिखेंगे, एच डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, है ना। फिर से अगेन अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या मिल गया, एच डैश एक्स इज इक्वल टू इतना मिल गया है। अब इसे अगर आप थोड़ा सा और करना चाहे तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये हो गया साइन एक्स, और यहां पर प्लस कॉस एक्स, ये क्या मिल गया हमें, एच डबल डैश एक्स। अब देखिए एक्स के लिए, एक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स के लिए
एच डैश एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे, है ना। एच डैश एक्स क्या दिया हुआ हमारा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहां पे लिखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अब देखिए साइन एक्स को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे वन के साथ इसका मल्टीप्लाई है ना, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। सो सॉरी दोस्तों, इसको आपको टेन में बदलना है तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो ये आप इसी तरह रखिए। अब देखिए इसके साथ कीजिए आप ऐसा, है ना, वन इंटू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। सो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको, है ना, कि आपको टेन एक्स एक तरफ बनाना है, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हमने स्थिर रखा और वन में गुणा है हमारा कॉस एक्स का। ऐसे कुछ भी कीजिएगा तो मान उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको इधर भेज दीजिए या इसको इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको भी भेज देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन एक्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो टेन पाई बाई टू का भी मान, पाई बाई फोर का भी मान क्या होता है, यानी कि आपका कह लें कि 45 डिग्री का मान 1 होता है और कॉट 45 डिग्री का मान 1 ही होता है, है ना। तो टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, मीन्स ये कि टेन एक्स इज इक्वल टू 1 के जगह पे क्या रख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, है ना। अब देखिए तुलना करेंगे तो 10 से 10 खत्म, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर। अब देखिए तो हमें एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया है, पाई बाई फोर। अब इस x इज इक्वल टू पाई बाई फोर को अब ये पता लगाना है हमें कि उच्चतम बिंदु है कि न्यूनतम बिंदु है ना। तो बिंदु के लिए यहां पे लिख देंगे कि उच्चतम या न्यूनतम बिंदु के लिए, उच्चतम या न्यूनतम बिंदु के लिए h डैश x, तो x का मान क्या रखेंगे हम लोग, पाई बाई फोर। तो यहां पर रख दीजिए आप h डबल डैश x के जगह पे क्या रखना है, पाई बाई फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस बाहर है, साइन का मान क्या है, साइन एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई फोर, फिर प्लस कॉस पाई बाई फोर, ओके। अब देखिए यहां पर कि साइन पाई बाई फोर का मान कितना होता है, ये माइनस एक बटा में रूट दो होता है, है ना, प्लस इसका भी एक बटा रूट दो ही होगा। अब आप देखिए कि तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो भी क्या हो जाएगा, ये फाइनली हम अगर जोड़े भी माइनस ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो बटा में रूट दो, ओके। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे कैसे भी अगर करके हम लोग हर का परिमेयीकरण किया जाए तो ये माइनस में ही आएगा। तो ये कैसा बिंदु प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ये न्यूनतम बिंदु है, इसको ज्यादा हल करना जरूरी भी नहीं है, है ना, ये न्यूनतम बिंदु है, ये न्यूनतम बिंदु है। तो न्यूनतम मान क्या होगा हमारा, तो हमने यहां पर लिख दिया न्यूनतम मान के लिए, अब हम लोग न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। एच एक्स बराबर क्या दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सिंपली अब आप क्या कीजिएगा कि x बराबर पाई बाई फोर रख दीजिए यहां पर, तो x के जगह पे क्या रखना है, पाई बाई फोर। सो यहां पर जहां x है वहां पर पाई बाई फोर, है ना। अगर आप देखेंगे तो इसका भी मान एक बटा रूट दो हो जाएगा और प्लस इसका भी मान एक बटा रूट दो हो जाएगा, है ना। यहां पे आप देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा दोस्तों, दो रूट दो, और इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं या दो को क्या लिख सकते हैं, रूट दो मल्टीप्लाई रूट दो, है ना, अब बटा में रूट दो, इससे ये वाला कट कितना मिल गया हमारा, रूट दो, और यही क्या हो जाएगा हमारा एच पाई बाई फोर पर हमारा रूट दो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमा ये जो यक्स है ये जीरो और टू पाई के बीच में है, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो दिया हुआ है यहाँ पे चौथा नंबर वो लिखेंगे कि जो कि दिया है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको, लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। एक से दो बार बनाइएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक।
और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, ये साइन एक्स हो जाएगा। अगेन फिर से कर दीजिए, तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, है ना। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग एक्स के लिए, एक्स के लिए अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, है ना। तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के इक्वल करेंगे, तो एफ डैश एक्स का मान यहां पर रखिए, तो कॉस एक्स फिर क्या है प्लस का साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कॉस एक्स प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो यहां पे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। देखिए यहां पर अब आप आकर ना फंस जाएंगे कि चलिए वन में इधर तो गुणा है, अब ये कॉस एक्स को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स इज इक्वल टू यहां पे माइनस वन। दिस अप्लाइड एट ये टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन। अब बताइए यहां पर कि माइनस वन जब आ जाएगा ना, तो अब आप यहां पर रुक जाइएगा। क्यों रुक जाइएगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू हुई आपको एक्स का मान ही नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो ये निकाल पाएंगे, है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से अगर लर्निंग नहीं रखे हैं उसका तो देखिए यहां पर। अब ध्यान आपको ये देना है कि किस चतुर्थांश में जो टेन एक्स है ऋणात्मक होता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस होता है, इसमें तो सभी प्लस होते हैं, और एक यहाँ पर प्लस होता है तीसरे वाले में। माइनस कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो यहाँ होता है और दूसरा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए ये पाई है, है ना, यहाँ पे डिग्री पाई बनता है, यानी कि जो टेन एक्स का मान है वो पाई से कम है, है ना। तो ये पहला क्या हो सकता है, पहले तो हम अगर थोड़ी देर के लिए ये माइनस अगर हम लोग नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन पाई बाई फोर, है ना, माइनस का पाई बाई फोर। लेकिन यहां पे माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर कर लेते हैं, तो ये टेन माइनस पाई बाई फोर। अब देखिए जब कोण माइनस में आ गया है तो ये समझाना चाह रहा है कि जो एंगल है वो इसमें बन रहा है, तो अब आपको इसका पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना माइनस पाई बाई का मान होता है उतना ही इस पाई में से आप पाई बाई फोर को घटा देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस पाई बाई फोर, तो ये बच जाएगा आपका टेन एक्स बराबर, क्योंकि ये वाला तो टेन एक्स जो है इसके बराबर है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा टेन थ्री पाई बाई फोर। तो यहां से टेन कैंसिल आउट, ये कटता नहीं है, तुलना करने पर हट जाता है, ठीक। एक्स बराबर क्या मिल गया आपको, थ्री पाई बाई फोर, या इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए थ्री पाई बाई फोर आ गया, है ना। तो देखिए यहां पर कि एक बार तो हमारा यहां पर इस चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में हमारा क्या मिलेगा, एक्स का मान थ्री पाई बाई फोर मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा हमारा, कि इसमें यहां पर बनता है हमारा टू पाई, है ना, और ये टू पाई से कम ही है, तो सबसे पहले हम लोगों को तो धनात्मक चाहिए ना, धनात्मक चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो टेन एक्स को बराबर करना पड़ेगा टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर के, है ना। अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसका एलसीएम उल्सियम निकाल लेते हैं तो ये क्या बच जाता है, टेन सेवन पाई बाई फोर, ओके। तो ये टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं आप, सॉरी दोस्तों यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना, ये हमने क्या किया है टू पाई में से पाई बाई फोर घटा दिया है, क्यों, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में बन रहा है ना, इसलिए प्लस लाने के लिए। तो ये टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स का मान क्या मिल जाएगा, सेवन पाई बाई फोर। तो यहां पे देखिए फाइनली हमें क्या मिला, तो फाइनली हमें एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक थ्री पाई बाई फोर, और दूसरा क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर।
ओके। अब हम लोग ये यक्स इज इक्वल टू 3π/4 जो है न्यूनतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश यक्स में रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहां पर रखेंगे यक्स इज इक्वल टू 3π/4 पर एफ डबल डैश यक्स के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, तो 3π/4 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये माइनस का साइन एक्स है, तो यहां पर रखिए माइनस का साइन 3π/4, ठीक। फिर प्लस क्या हमारा कॉस 3π/4। अब यहां पर देखिए माइनस साइन 3π/4 का जो मान होता है हमारा, तो यहां पर देखेंगे इसका मान जो होगा ये माइनस, और इसका जो मान होता है 1/√2 होता है, ठीक। और यहां पर देख ले आप थोड़ा सा कि प्लस, और इसका मान क्या होता है माइनस का 1/√2 होता है, ठीक। तो अब अगर आप देखें यहां पर थोड़ा सा कि माइनस ये और प्लस माइनस, माइनस साथ में मैं एलसीएम भी निकाल दे रहा हूं, ठीक। रूट दो आ जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, ये कट के हमारा क्या देगा माइनस का रूट 2। और आप ये देखिए तो ये क्या है, एक हमारा न्यूनतम उच्चतम बिंदु है, तो यहां पर लिख देंगे कि यह उच्चतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है दोस्तों, उच्चतम बिंदु है, है ना, उच्चतम बिंदु है। इसलिए उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या हो जाएगा हमारा, उच्चतम मान के लिए अब हम लोग एफ एक्स में रखेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, है ना। तो यहां पर एफ एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, तो 3π/4 साइन 5/4 रखेंगे, ठीक, 3π/4, फिर माइनस का कॉस 3π/4। अगर आप लोग देखते हैं यहां पर, तो यहां पे थोड़ा सा मैं पेज ले लू दूसरा, है ना। तो यहां पर देखें कि इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो इसका होता है 1/√2, और अभी अभी हमने बताया कॉस 3π/4 का मान क्या होता है, तो माइनस का 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, और इसे आप हल करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2/√2, और 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, और बटा में क्या हमारा √2, कट क्या मिला हमारा √2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एफ यफ है दोस्तों, यफ 3π/4 का मान हो जाएगा, ठीक। और ये कैसा मान होगा, तो उच्चतम मान हो जाएगा, है ना। चलिए उच्चतम, अब हम लोग यक्स बराबर 7π/4 पर काम करते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए यक्स इज इक्वल टू 7π/4 के लिए पर, अब देखिए कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, तो वहां पर हम लोग रखेंगे 7π/4, है ना, ये 7 है, बराबर हो जाएगा किसके, तो एफ डैश एक्स का मान क्या था माइनस का साइन एक्स के जगह पर क्या रखना है 7π/4, फिर प्लस कॉस, और एक्स के जगह पर क्या रखना है 7π/4, ओके। तो अब आप अगर देखें तो इसका जो मान होता है हमारा, ये देखिए कि इसका जो मान होता है माइनस है इसका, माइनस 1/√2 होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस इसका तो हमारा प्लस में ही होता है कॉस 7π/4 का मान 1/√2। तो ये अगर आप हल करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, √2 मिलेगा सिंपली। और ये कैसा बिंदु मिलेगा, ये प्लस में ही, अगर आपको हल नहीं करने का मन कर रहा है तो यहीं पर लिख दीजिए कि ये कैसा बिंदु होगा, तो ये न्यूनतम बिंदु होगा, ठीक। यहां पे लिख दीजिए ये न्यूनतम बिंदु है, इसलिए न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा हमारा, तो न्यूनतम मान के लिए आपको
एफ एक्स में रखना पड़ेगा, तो एफ एक्स की जगह पर 7π/4 और इज इक्वल टू क्या है हमारा, तो साइन 7π/4 और माइनस का कॉस 7π/4। ओके, तो यहां पे देखिए कि साइन 7π/4 जो है इसका मान क्या हमने बताया था, माइनस का 1/√2, तो ये माइनस का 1/√2 और यहां पर ये माइनस कॉस 7π/4 का मान क्या होता है 1/√2, तो ये फाइनली मिल जाएगा आपको क्या, माइनस का रूट दो। ठीक है, और ये क्या होगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।